सभी ऋषि मुनियों ने सभी वैद्यों ने इसको चूर्ण का शिरोमणि कहा है। सब चूर्ण अगर इकट्ठा किए करके तो सबसे अगर अच्छा कोई है तो त्रिफला चूर्ण बोला गया। इसके लिए चूर्ण यानी हमको क्या याद आता है, त्रिफला। जैसा डिटर्जेंट पाउडर बोले तो क्या बोलते हैं, निर्मा बोलते कि नहीं। वो व्हील भी आया तो क्या बोलते हैं, निर्मा आया बोलते हैं ना। वैसा गांव में देखो वो क्या बोलते हैं, वो दुकान में लक्स साबन नहीं रहते, वो बोलते लक्स तो कोई भी डिटर्जेंट पाउडर साबन वो दे देता, वो पूछता नहीं कंपनी क्या है, वो साबन याद है लक्स ऐसा वो हो गया। आवला नहीं ऐसा नहीं है, गिरडा हिरडा सब बोलेंगे हम आए थे भू विज्ञान को, ये क्या बता रहे हैं, ये उसी का विषय है। पंचगव्य ये आयुर्वेद का छोटा सा हिस्सा है, कितना छोटा सा, बहुत जैसा वो समुद्र में ये क्या है खसखस है ना, ऐसा आयुर्वेद में छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा लेकिन प्रभावी है। कैसा है वो प्रभावी, पहला है हिरडा, इसमें दो रहते हैं, एक रहता है बाल हिरडा बड़ा है, जब बच्चा छोटा रहता है तो ज्यादा फुड़कर रहता है कि नहीं, उसका ज्यादा असर रहता है, जैसा जैसा वो बड़ा होता है उसका बुद्धि प्रगट होती है फिर वो शांत हो जाता है, वैसा ये छोटा हिरडा है ना बहुत प्रभावी है। इसलिए हम छोटा हिरडा नहीं लिए, बड़ा हिरडा, छोटा हिरडा अकेला ही काफी होता है, उसको दूसरे का योग करने का जरूर नहीं। बड़ा हिरडा बड़ा छोटा क्या है, इसमें जब फल छोटा रहता है तब गिर गया, जब फल छोटा है तब कुछ फल गिरते हैं ना हर पेड़ के, अभी जाम का पेड़ भी देखो कुछ छोटे छोटे जाते हैं, कोई बीमारी से गिरता है, कोई पशु पक्षी गिरा देते हैं उसको, तो वैसा जो भी गिर गया हिरडा फल पेड़ के नीचे वो क्या है, वो बाढ़ हिरडा बोलते हैं, वो भी काम को आता है, वो बहुत बड़ा रेचक, दुनिया का सबसे रेचक वो क्या है, फल है। जितना भी मल आपका अंदर भरा पड़ा है उसको वो निकाल देता है, इसके लिए वो सुकैरी के वैसा उसको खाने का विधान बताए, चगड़ चगड़ के खाते ना ऐसा चिंगम के वैसा, लेकिन कोई खा रहा है क्या हिरडा चिंगम खा रहे है, उससे हाथ खराब हो जाए। हाँ तुम खराब होगे तो बीमार होंगे तो हमारे पास आप आओगे, ये षड्यंत्र है। हाँ वो बताता हूं, 100 ग्राम एक किलो 10 किलो 100 किलो 1000 किलो प्रमाण से कितना भी लो, डेढ़ा 100 ग्राम आंवला 3ों का गुठली निकालने के बाद जो फल बचता है उसका चूर्ण। अभी ये मार्केट में जो मिल रहा है वो फल के साथ आता है, इसके लिए वो फल का दोष कैसा उदाहरण देता हूं, आप सीताफल खाओ चलेगा, उसका बीज खाओ चलेगा,
झाड़ खड़ा नहीं, दिन भर नशा आएगा आपको। मैंने दो बार, एक बार खाया था, दो ही बीज खाया था। जब आयुर्वेद को मैंने समझा नहीं था उतना, तो मैंने एक ऐसा सुना कि सीतो फलादि चूर्ण उनके सुना था, लेकिन वो सीताफल के चूर्ण का नहीं था, संस्कृत में उसका अर्थ अलग है। मैं समझे वो सीतो फलादि यानी सीताफल का फल होगा। ये खाया कुछ नहीं लगा, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तीसरा जब खाया तो मुझे चक्कर आने लगा, बैठ ही नहीं सकता। फिर एक वैद्य को पूछा तो वो भी जानकार थे, उसने बोले घर में जाओ और एक मटका भर छाछ पी लो। मटका भर छाछ पी लिया वो पूरा जहर, छाछ ये है ना जहर को मारता, लेकिन ये प्रयोग मत करो। कोई आपके पास कुछ चीज नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर तक कोई पुकारने वाला नहीं है, उस टाइम आप वो छाछ पी लो, आपको मृत्यु से वो बाहर निकालेगा। उसको क्या बोला, पृथ्वी के ऊपर का अमृत। तो उसका बीज निकाल के फल का चूर्ण करना है, ये एक पद्धति से। दूसरा पद्धति क्या है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम। तीसरा है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम। ये मैं त्रिफला आपको पूरा दिन क्लास दे सकता हूं आपका, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। थीड़ा वापना शब्द, थीड़ा क्या है, पेड़ा कफनाशक और आंवला पित्तनाशक, आंवला पित्तनाशक। तो पित्त का बीमारी है तो ये प्रमाण मिल पूछा, एक दो तीन चार का, और कफ का बीमारी है तो दो इल लेने का, और नॉर्मल पोजीशन में आपको लेना है ये लेने का। वहां पे इसमें भी आप समान रूप से आप उसको ले सकते हो, क्योंकि हृदय अगर बढ़ा दो तो ज्यादा रेचक होगा, आप उसको नहीं कर सकते। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्यों भूलते दूसरा काम नहीं करते, इसमें टाइम चला जाता है। हिरड़ा आपस में बात मत करो, हिरड़ा क्या है, कफनाशक है, है क्या, हाँ कहाँ सो रहे हो क्या, बेड़ा बेड़ा कफनाशक है, और आंवला ऐसा पाठ होना चाहिए। अब लग रहा है कि नहीं क्लास के वजह से, फिर ये ज्यादा क्या है, कौन सा है, पित्त जिसका बढ़ गया उसको क्या करना, ये वाला। फिर वात को समान देना है, क्योंकि वात बीमारी कौन से आयु में आती है, ज्यादा से 40 के ऊपर, उनको अगर हिड़ा ज्यादा खिलाएंगे तो क्या होगा, लूज मोशन होकर वो मर जाएगा, यानी मरेगा नहीं, यानी इसके लिए उनको समान मात्रा में खिलाना है। शिशु अवस्था इसमें चलेगा। हम इसका अभी प्रैक्टिकल करेंगे। ये मोज लगा 50 ग्राम, दोष नाशक है, कफ पित्त वात, दोष यानी बढ़ना और कम होना, ये दोनों भी दोष कहते हैं, समान रूप में रहना ये दोष नहीं कहते, उसका गुण बोलते हैं। कफ का होना शरीर में जरूरी है, जो भी स्निग्धता हो सही शरीर में वो कफ है, जो भी ऊर्जा है गर्म चीज वो पित्त है, और वो स्निग्धता को और पित्त को वहन करने के लिए, ज्वलन करने के लिए वायु का होना जरूरी है, वो क्या है, वात है।
तो इनका बढ़ना और कम होना दोनों भी दोष कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये क्या है कि दोष को नाश करता है, ये दोष को करता है, गुण को नहीं। ज्यादा बढ़ाओ तो कम करेगा, कम हुआ तो सम स्थिति में वो लाएगा। चिपचिपा दोष क्या है? अभी जो घुटने का जॉइंट है वो कब दुखता क्यों नहीं आपको? वहां पे वो ऑयलिंग लुब्रिकेंट कंटेंट जो भी बोले हैं, है ना, उसको कफ बोलते हैं। फिर कफ का दुश्मन वात है, वात पड़ा तो क्या उसको सुखा देगा? वायु का दोष क्या है? सुखाना। पहले वो आदमी को जिसको वात है वो कैसा रहेगा? एकदम सुखापन रहेगा शरीर के। तो पुराने वैद्य आदमी चलते आता था तो उसका बीमारी आने तक बीमारी समझते थे, बैठने के बाद उसको दवाई देते। हमारे नांदेड़ में एक वैद्य थे, वो उधर से आए, उसके द्वार में से चलते आके बैठ गए, बैठे कि उसको दवाई दे देना, पूछना नहीं उसको। इतना उनका जो वो उसका और बड़ा था। वैसे आप भी बन सकते, वैसा उसको आत्मसात करना पड़ेगा। उतना आपका लक्ष्य चाहिए, किसको जरूरी है? मेडिकल में गए कि 2 रुपए में काम होता है, कैको फूटो कैको लाओ कैको बोलो, है ना, लेकिन वो जरूरी था। तो ये जो है इसको आपके साथ में रखो। कुछ पेट का प्रॉब्लम है, एक चूर्ण आप लीजिए, क्योंकि दोष कम करता है। इमरजेंसी मेडिसिन पहले इसका प्रयोग कीजिए, इससे ठीक नहीं हुआ तो विशेष वनस्पति की तरफ जाइए। त्रिफला चूर्ण हर एक के घर में होना चाहिए। आप इससे नहा भी सकते हो। दूसरा प्रयोग, इसको तेल में भिगा के रखो, पानी में भिगा के रखो, नहाओ एकदम बढ़िया, अच्छा उसका यूज है। त्रिफला से नहाओगे तो रोज दिवाली है। फिर दूसरा, इसका दातुन कर सकते हो आप, क्योंकि दातुन करते समय जो बोले हैं मीठा छोड़ के हर चीज का दातुन आप कर सकते हो, वो इसमें विद्यमान है। आंवला कैसा रहता है? तुरट, थोड़ा सा आंवला और तुरट रहता है। बेड़ा वो भी तुरट ही है, हिरड़ा वो भी कषाय है वो, ठीक है। तो ये दातुन के लिए बहुत बढ़िया है, वो लार के साथ अंदर जाएगा तो बॉडी में रसायन का काम करेगा, बॉडी में जो रसायन कम हो रहे हैं उसका काम करेगा। इसका दातुन भी कर सकते हैं, इसे नहा भी सकते हैं, इसका चूर्ण भी आप ले सकते हैं। त्रिफला का कल्प करते हैं 12 साल अगर करें तो पूरा शरीर नया मिलता है, सब होते हैं। रोज त्रिफला खाना है तो विष्णु जी हम बताएंगे ऐसा। ये बहुगुणी चूर्ण पानी के साथ ले सकते, गुड़ के साथ ले सकते, शहद के साथ ले सकते, दही के साथ ले सकते, इसको दूध के साथ ले सकते त्रिफला चूर्ण। तीनों समय तो दोस्तों में एक समय बहुत हो गया, त्रिफला रात को सोते समय लीजिए। जिसको शुगर है वो दोनों खाने के पहले एक एक चम्मच ले, तो अगर कम शुगर है तो शुगर उसका निकल जाएगा। शुगर है तो सवेरे खाने के पहले उसको ले सकते, छोटा मोटा शुगर बढ़ गया है तो वो कंट्रोल में त्रिफला चूर्ण से ही आ जाएगा। और कोई भी चूर्ण ले रहे हो तो उसमें 15 दिन गैप देना, 15 दिन नहाते वक्त, 3 महीने के बाद नहाते वक्त नहाने के पानी में डालना नहीं, भिगो के रखो कायम तेल में या पानी में, फिर शरीर को लगाओ
या फिर दूध में भिगाओ, बहुत बढ़िया। दूध में थोड़ा सा चम्मच पर हल्दी डालो, इतना बढ़िया नहा सकते हो उनसे। दही से नहाओ, दूध से नहाओ, घी से नहाओ, गोबर से नहाओ, गोमूत्र से नहाओ। हर रोज साबुन तैयार है, आटे से नहाओ। गेहूं का आटा अगर छोड़ दिए और जो चिपचिपा होता है ना, कौन सा हरभरा का दाल का अच्छा रहता है, लेकिन वो मूंग का कौन सा रहता है दूसरा, मसूर, मसूर कुंवर में मूंग का भाई उड़द के दाल से नहाना नहीं, क्योंकि वो पूरा चिटक जाएगा। और गेहूं के आटे से नहीं नहाने का, ज्वारी के आटे से नहा सकते हो, बाजरे के नहा सकते हो। अरे कितना है, बेसन तो बहुत बढ़िया, बेसन का आटा करो, बहुत बढ़िया। कोई साबन करने की जरूरत यही नहीं, बगैर का हमारे दिमाग पे असर थोप गया है, साबन यूज करोगे तो। ऐसा ये बहुगुणी त्रिफला चूर्ण है। ऐसा ही एक विदोष को नॉर्मल करने वाला एक